हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है छठ का नहाए खाए का दिन और अभी चल रही हमारे घर में तैयारी कद्दू भात की। तो आप सभी को छठ की खूब सारी शुभकामनाएं और छठ मैया आप सब पे खूब सारी कृपा बनाए रखे। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि हमारे घर में क्या क्या हो रहा है। ये देखो, ये है मेरी बुआ जो कि अभी मसाला पीस रही है, और यहाँ पे देखो दाल बन रही है, और ये देखो हल्दी पीसा गया है, वो कच्ची हल्दी होती है ना, उसको पीस के। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की सब्जी, रुक के मैं दिखाती हूँ आप सबको। और ये देखो, यहाँ दादी हसुआ से छील रही पपीता। ये बनेगा अभी चना साग। इसको दलिया में डाल दे दादी, इसको दाल में डाल के बनेगा अभी। नहीं नहीं अभी नहीं। आइए, छोटा राहुल है, छोटा राहुल मेरे भैया एक है, उनका बेटा छोटा राहुल। गाइस, और ये देखो हमारे यहाँ गर्म पानी ऐसे किया जाता है गाँव में, क्या मस्त तरीका है ना। और आप लोगों को भी देखो कितने पुराने तरीके अभी भी अपनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे आग जल रही है और मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, तो मैं अपना घुटना सेक रही हूँ। नानू कहाँ? नानू कहाँ? नानू बेटा, नानू कहाँ? नानू, नानू ये है नानू। और नानी माँ कहाँ? नानी माँ वो है नानी माँ। खाली तुम नजर से दिखाएगा सबको। हॉर्न बजा दीदी। ए सब घर से बाहर निकलो। हॉर्न बजा, हॉर्न बजा, बजा बजा। यहाँ करने जा रही है मम्मी कद्दू भात। मम्मी प्रसाद ग्रहण करेगी, फिर हम लोग खाएंगे। चल मम्मी स्टार्ट हो जाओ। बहुत देर से भूखा ले बेचारी। खा ले खा ले, छठी मैया क्या प्रसादी खा ले, फिर हम यू खेबा माँ। तो गाइस आज नहा खाए है तो कद्दू भात बनता है आज के दिन, और कल होगा लोहंडा जिसमें खरना वाला प्रसाद है। मम्मी अच्छी लग रही मम्मी। कह दी सबके कि आप सभी को छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को छठ की शुभकामना है बेटा। देखिए माँ तो माँ होती है, सबके आशीर्वाद भी दे दी माँ, सबके लिए आशीर्वाद मांग लिया। सब जितना भी हमारे सब्सक्राइबर है सब खुश रहे, धन धनवान रहे, सबको खुश रहे, पूरा धनवान रहे, पूरा सबको भगवान सतबुद्धि दे। सबको सबसे पहले सतबुद्धि दे भगवान कि सही राह में चले। बाप रे बाप। देखो अभी मम्मी कर रही है कद्दू भात, और अभी होगा फिर, मतलब आज तो नहाए खाए, मतलब खाना वाना खा के बस हम लोग का खत्म, उसके बाद आज तो कुछ नाम है, और अभी हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ खाना खाने के बाद। और यहाँ पे हुआ है गेहूं की सफाई, जिसका बनेगा प्रसाद। मैं सुबह से वीडियो नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत बिजी थी यार बेबी के कारण। और ये देखो हमारा सुंदर सा गांव, ये मेरा बाड़ी है जहाँ पे बहुत कुछ लगा हुआ है, सीम बैगन पता नहीं क्या क्या लगा हुआ, कद्दू वद्दू। और ये देखो पपीता का पेड़।
और ये कितना सा सुंदर सूरज से ढल रहा है। वाह कितना प्यारा लग रहा है लेने को सूरज ढलते हुए। और ये देखो सिर्फ प्लांट ही प्लांट, पौधे पेड़, कितनी हरियाली, गांव की शांति। वाह वाह।